हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम एक, जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम एक सीरीज प्रिंट किए हैं। तो हम इसी को आज प्रिंट करने वाले हैं फोर लूप के माध्यम से, किस तरह से प्रिंट किया जाता है, किस तरह से हम नेस्टेड का यूज़ करके इस सीरीज को प्रिंट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सीरीज प्रिंट हुआ है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी सीरीज को प्रिंट करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह से लिखा जाता है। और हाँ, एक बात और, अगर मान लीजिए आपको प्रोग्राम समझ में नहीं आता है, अगर लास्ट तक खत्म हो जाता है, तो आप नीचे कमेंट में हमें ज़रूर लिखें कि हमें समझ में नहीं आया या फिर यहाँ पर यह चीज़ समझ में नहीं आया, तो हम उसके बारे में फिर से बताएंगे, ठीक है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह से इस प्रोग्राम को लिखा जाता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर अपना वही रोज की तरह हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच और यहाँ पर इंट मैन ये लिख लेते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे हम इंटीजर डेटा टाइप का, और यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखेंगे हम फोर लूप का, जिसमें से ए का वैल्यू जो हमें अगर वन से इंक्रीज होकर वो जाएगा मान लीजिए लेस और इक्वल टू सिक्स तक। और कैसे जाएगा, तो वन बाय वन इंक्रीज करते हुए जाएगा, जैसे कि हर बार जा रहा है। अब यहाँ पर हम प्रिंट ऑफ नहीं लगाकर हम नेस्टेड फोर का यूज़ करने वाले हैं, जैसे कि आप जानते ही हैं नेस्टेड फोर किस तरह से यूज़ करते हैं। तो अब हम इसमें ये करेंगे कि हमारा जो वैल्यू होगा वो बी इक्वल टू वन होगा, वन से स्टार्ट होगा, ठीक है। लेकिन हमारा बी लेस और इक्वल टू होगा किसके, ए के। वो बताते हैं कैसे होगा और कैसे नहीं होगा। फिर यहां पर हम लिखेंगे प्रिंट एफ, यहां पर हो जाएगा परसेंट, परसेंट के छोड़िए हम यहां पर लिखते हैं एक स्टार का सिंबल देते हैं, और यहां पर हम लिखते हैं रिटर्न। उसके बाद यहाँ पर हमारा प्रोग्राम हो गया ख़त्म, ये हो गया। यहाँ पर हम एक वेरिएबल और बना देते हैं बी, ठीक है। दो वेरिएबल हो गए। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ये ए है, ए वो इंक्रीज, वो स्टार्टिंग में वन है, फिर इंक्रीज कर सिक्स तक जा रहा है। तो सबसे पहले वन होगा, तो वो आएगा अंदर, देखेगा ये फोर लूप है तो b इज इक्वल टू वन है, ठीक है। फिर इसके अंदर आएगा, इसको प्रिंट करेगा एक बार, फिर अब ऊपर जाएगा, फिर उसे प्रिंट करेगा। लेकिन यहाँ पर देखेगा कि b का हमारा पहुँचना कहाँ तक है, तो a तक। तो a का भी वैल्यू क्या है, सिर्फ वन है, तो ये वन टाइम से सिर्फ रन करेगा, फिर इससे बाहर निकल जाएगा। यानी कि वन से बड़ा तो नहीं ना होगा, इसे b का वैल्यू बड़ा नहीं होना चाहिए। तो हमारा ए का वैल्यू अभी वन है, तो वन के इक्वल है, तो एक बार ये प्रिंट किया, फिर दूसरी बार बी का वैल्यू टू हो जाएगा, तो वो वन से, यानी कि ए के वैल्यू जो वन है उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, तो ये इस फोर लूप में नहीं आएगा, तो इससे बाहर निकल जाएगा। जब इसे बाहर निकलेगा तो अभी हमारा ये ए का वैल्यू वन है, अभी इसे पहुँचना कहाँ तक है, सिक्स तक। तो ये ऊपर आया, इंक्रीज हुआ, तो टू हो गया, टू हो गया ए का वैल्यू, अब हमारा टू हो गया है, हमें पहुँचना है सिक्स तक। तो अब हम आगे बढ़े, इसे आगे बढ़े, ये चेक किया, आगे बढ़े, तो ये फोर लूप में फिर से आ गया। तो ए का, बी का वैल्यू फिर से वन है, ठीक है, वन है, और हमारा पहुंचना कहाँ तक है, तो यहाँ तक, क्योंकि हम इसे बार बार इसे कर रहे हैं, तब तो हमारा वैल्यू वन हो रहा है। अगर मान लीजिए हम इस चीज़ को यहाँ से लेकर यहाँ तक स्किप कर देंगे, तो हमारा बी का वैल्यू इंक्रीज करते जाएगा बार बार, जैसे वन नहीं होगा। अगर मान लीजिए हम इसी प्रोग्राम को ही बार बार रन कराएं, तो हमारा ए का वैल्यू भी वन हो जाएगा, ठीक है। अगर एक बार रन कराएं तो ए का वैल्यू वन है, दूसरी बार रन कराएं तभी तो हमारा ए का वैल्यू वन ही होगा ना। तो हम यहाँ पर वही कर रहे हैं, इसके लिए, इस फोर के लिए ये प्रोग्राम बार बार रन कर रहा है। तो यहाँ पर बी का वैल्यू वन हो जाएगा, टू नहीं होगा, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर टू नहीं होगा, लेकिन हमारा बी का वैल्यू कितना हो चुका है, टू हो चुका है। तो ये वन एक बार रन करेगा, फिर उसके बाद टू, टू रन करेगा, इंक्रीज होगा, तो बी का वैल्यू इंक्रीज करेगा टू तक। और हमारा वैल्यू जाना कहाँ तक है, ए तक, तो ए का वैल्यू अभी कितना है, टू है, इस तरह से। तो हम इसे रन कराते हैं, रन कराते हैं, तो हमारा देखते हैं सिर्फ यहाँ पर स्टार दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पर स्लैश टी, ठीक है, और यहाँ पर बैक स्लैश
एन दे देते हैं ऐसे। जब यहाँ पर ऐसे कर दिए तो हमारा एक लाइन प्रिंट करेगा, फिर उसके बाद दूसरी लाइन न्यू लाइन आ जाएगा, फिर दूसरा लाइन प्रिंट करेगा। तो देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले एक प्रिंट किया, फिर दो स्टार प्रिंट किया, फिर तीन स्टार प्रिंट किया, फिर चार, फिर पाँच, छः तक प्रिंट किया, एक दो तीन चार पाँच छः, और इस तरह से भी छः, एक दो तीन चार पाँच छः, तो इस तरह से भी छः। तो इसमें हुआ ये है कि अभी हमारा ए का वैल्यू सबसे पहले वन स्टार किस लिए प्रिंट किया, हमारा ए का वैल्यू वन है, बी का वैल्यू वन है, बी को पहुंचना कहां तक है, वन तक, तो एक बार रन किया उसके बाद बाहर निकल गया, बैक स्लैश एन हुआ, न्यू लाइन में आ गया। अभी हमारा ए का वैल्यू कितना हो चुका है, टू हो चुका है, फिर आगे बढ़ा, हमें बी को पहुंचाना कहां तक है, टू तक, तो ए का वैल्यू, बी का वैल्यू कितना है, वन है, टू नहीं होगा, बी का वैल्यू टू नहीं होगा, बार बार रन करेगा तो टू होगा। अच्छा देखते हैं, अभी बी का वैल्यू वन है, एक बार प्रिंट कर दिया, फिर हमें कहां तक पहुंचना है, टू तक, बी का वैल्यू अब टू है तो टू तक पहुंचना है, तो ये प्रोग्राम दो बार घूमेगा, लूप में दो बार चलेगा, फिर दो तक पहुंच गए, फिर उसके बाद आगे बढ़ा, फिर न्यू लाइन हुआ, फिर आगे बढ़ा। यहाँ पर अभी हमारा ए का वैल्यू कितना है, टू है, तो टू है, अब टू से थ्री होगा, यहाँ पर टू हुआ था ना पिछली बार, तो अब थ्री हो जाएगा, तो ए का वैल्यू थ्री हो गया, तो यहाँ पर आया, तो हमें बी को पहुंचाना कहाँ तक है, अब थ्री तक पहुंचाना है, और बी का वैल्यू कितना है, अभी वन है, तो इसलिए एक, अब ये लूप कितनी बार घूमेगा, तीन बार घूमेगा। तो वही हुआ है कि पहली बार लूप सिर्फ एक बार घूमा है, दूसरी बार दो बार, तीसरी बार तीन बार, चौथी बार चार बार, इस तरह से ये लूप घूमा है। तो आप यहाँ पर ऐसे स्टार की जगह पर यहाँ पर कोई सिंबल भी दे सकते हैं, कोई भी लेटर भी लिख सकते हैं, तो ये सिंपल सा एक बन जाएगा लॉजिक जिसमें हम एक कोई भी सीरीज प्रिंट कर सकते हैं। इस तरह से देख सकते हैं, इस तरह से हम इस तरह से कोई भी सीरीज प्रिंट कर सकते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि हमारा ये जो अंदर वाला नेस्टेड फोर लूप जो हम बनाए हैं, ये डिपेंड कर रहा है इस फोर लूप के वैल्यू पर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें बताएं, कमेंट में लिखें कि हमें नहीं समझ में आ रहा था, हम इस पर बढ़िया से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही, अब हम देखते हैं नया लॉजिक नए वीडियो में।